नमस्कार दोस्तों, देव ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि इस कूलन टेस्ट का और एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दिखा दूंगा। जैसे आपने देखा था उनके रीडिंग के हिसाब से उनका रैंकिंग किया था, तो सबसे पहला था कैस्ट्रॉल और दूसरा नंबर था मोडुल प्री मिक्स कूलेंट और बाकी के जो पांच थे उनको मैंने साइड में रखा था क्योंकि उनके रीडिंग बहुत ही कम आए थे। तो इस वीडियो में मैं तीन कूलेंट का आपको बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दिखा दूंगा, कैस्ट्रॉल, मोडुल और जो लो रीडिंग आया था उसमें से बॉश था तीसरा नंबर, उसका एक दिखा दूंगा। सबका तो टेस्ट नहीं दिखा सकता, बाकी के जो है उसका रीडिंग बहुत ही कम आया था। आप मान के चलो कि बॉश का जो रीडिंग आएगा वो बाकी सब में भी ऐसा ही रीडिंग आ जाएगा क्योंकि ये बहुत ही कम डेंसिटी वाले कूलेंट है। तो सबसे पहले इस बर्तन में हम डिस्टिल वाटर यानी पानी डालेंगे और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वो चेक करेंगे इस इंफ्रारेड टेम्परेचर मीटर से। नॉर्मली पानी 80 से 100 डिग्री में बॉयल होता है। अभी हमारा रूम टेम्परेचर है 28 डिग्री। अभी मैं इस कैन में से डिस्टिल पानी इस बर्तन में डाल देता हूँ, एक चार या पाँच कप ले लेंगे। इस पानी को अभी इंडक्शन कुकर पे स्लोली हीट करते हैं, जैसे हमारे रेडिएटर में स्लोली गर्म कैसा होता है ऐसा ही हीट होगा इस बर्तन में। अब आप समझ लो कि आपने अपने गाड़ी में कूलेंट के जगह पानी डाल दिया है तो क्या होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम है और आपके रेडिएटर में पानी बहुत ही जल्दी गर्म होने लगेगा और उबलने लगेगा। उबलने के बाद ये पानी का स्टीम हो जाएगा, पानी का जल्दी स्टीम बन जाता है और ये रेडिएटर में से घूम के, इंजन में से घूम के आपके रिजर्वर जो डब्बी होती है उसमें चला जाता है और डब्बी में प्रेशर बिल्ड अप करेगा स्टीम का। तो क्या होगा, ये स्टीम रिलीज करने के लिए उधर एक छेद दिया है उसमें से ये स्टीम रिलीज होके उड़ जाएगी और पानी आपके रेडिएटर में से कुछ दिनों के बाद कम होता चला जाएगा। आप समझ लो कि जब आप ऑर्डिनरी कूलेंट डालते हो जिसमें कूलेंट की मात्रा बहुत कम है तो यही हो जाएगा आपके रेडिएटर में, वो कूलेंट एक महीने के बाद उड़ता चला जाएगा और आप समझ लोगे कि आपका गाड़ी का कूलेंट कम हो रहा है। तो अभी आप टेम्परेचर मीटर में देखो 65 डिग्री के बाद ये बुलबुले आने लगे हैं पानी में। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। और यहाँ फाइनली देखो 92 टेम्परेचर में ये पूरा उबलने लगा और स्टीम बनने लगी। अभी हम सेकेंड टेस्ट में ले लेंगे कैस्ट्रॉल का प्योर कॉन्सेंट्रेट कूलेंट। अब देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। कर देते हैं इंडक्शन को चालू। कॉन्सेंट्रेट कूलेंट को हम जब बॉयल करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये बॉयल होने के लिए बहुत टाइम भी ले लेगा। कॉन्सेंट्रेट कूलेंट में बिल्कुल ही पानी नहीं होता है, इसमें होता है एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं तो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 180 डिग्री सेल्सियस और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 190 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं यहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेट कूलेंट कितने में बॉयल होता है। अभी हमारा टेम्परेचर 120 डिग्री तक आ गया। अगर ये पानी होता तो ये बहुत ही बॉयल होता और उसकी वाफ होके निकल जाती थी, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट कूलेंट है बिल्कुल ही शांत है। अभी ये 150 डिग्री में पूरा उबलने लगा। अगर ये रेडिएटर में होता तो इतना जल्दी उबलने नहीं लगता क्योंकि ये बर्तन में है, जगह छोटी है, इसके लिए थोड़ा जल्दी उबल जाता है। जब ये कॉन्सेंट्रेट कूलेंट आपके गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में होते तब 150 टेम्परेचर कभी नहीं चला जाता क्योंकि गाड़ी का वर्किंग टेम्परेचर यानी एम्बियंट टेम्परेचर है 80 से 100 डिग्री। 80 से 100 डिग्री में ये बिल्कुल ही नहीं उबलेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, कूल रहेगा। तो अब हम दूसरा टेस्ट में यही कूलेंट कैस्ट्रॉल का कूलेंट 50-50 रेशियो करके देखते हैं। दो कप कॉन्सेंट्रेट कूलेंट डालते हैं और दो कप डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो ये हुआ दो कप कॉन्सेंट्रेट।
और ये हुआ 2 कप डिस्टिल्ड वाटर। अब इसको करते हैं बॉयल और देखते हैं 50-50 रेशियो का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो अभी देखो 84 डिग्री टेम्परेचर आ गया 50-50 रेशियो कूलेंट को। यही टेम्परेचर इंजन का कंप्यूटर मेंटेन करता है कूलिंग सिस्टम में। अभी 84 डिग्री में कोई भी बुलबुला नहीं आया है कूलेंट में। और अभी ये 100 डिग्री में बॉयल होने लगा है। ये बर्तन में थोड़ा जल्दी ही बॉयल करेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट आया 100 डिग्री में। तो अभी लेते हैं तीसरा टेस्ट मोटुल का। ये मोटुल प्री मिक्स कूलेंट है, इसमें कोई पानी भी नहीं मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। इसको ऐसा ही रेडिएटर में डाल देना होता है, तो हम इसको ऐसा ही बर्तन में डालेंगे बॉयल करने के लिए। अभी 85 डिग्री टेम्परेचर आ गया लेकिन बॉइलिंग अभी शुरू नहीं हुआ। अभी 95 डिग्री में बॉइलिंग चालू हो गया और ये प्री मिक्स कूलेंट 100 डिग्री में पूरा बॉइलिंग हो गया। फोर्थ और फाइनल टेस्ट लेते हैं बॉश कूलेंट का। इसमें से 2 कप कूलेंट डाल देते हैं। बॉस ने बोला है कि 1 में 7 कप मिक्स कर दो, लेकिन हम यहाँ 50-50 करेंगे। ये हुआ 2 कप पानी। अभी करते हैं इसको भी बॉयल। इन चारों का टेस्ट नहीं लेंगे हम। इन चारों का टेस्ट लेना बिल्कुल ही बेकार है। आप समझ लो कि बॉश का जो रिज़ल्ट आएगा वही रिज़ल्ट इन सब पे लागू हो जाएगा। ये बॉश का कूलेंट हमने 50-50 किया था, 90 डिग्री में पूरा बॉयल करने लगा। अब बारी आती है इन सब की एंटी फ्रिज टेस्ट की। तो ये पहला है कैस्ट्रोल कॉन्सनट्रेट, इसमें कोई पानी भी नहीं मिला है, ऐसा ही कॉन्सनट्रेट डाला है मैंने। दूसरा है कैस्ट्रोल का डाइल्यूटेड, इसमें 50-50 किया है, 50-50 रेशियो है। तीसरा है मोटुल का प्री मिक्स और चौथा है बॉश का डाइल्यूटेड, ये भी 50-50 किया है। बॉश ने बताया था 1 में 7 ऐड कर दो, लेकिन हमने 50-50 कर दिया है। तो इनको हमने रख दिया फ्रीज़र में। इनको फ्रीज़र के डीप में रखा है 5-6 घंटा, ऐसा ये रख देते हैं हम। 16 डिग्री टेम्परेचर रखा है डीप का, और बाद में खोल के चेक करते हैं कि कौन सा जम गया है और कौन सा जम नहीं गया है। जिसका भी आइस बन जाएगा वो समझो बेकार है।
6 घंटे हो गए, अभी फ्रीज़र को खोलते हैं और देखते हैं इनकी कंडीशन क्या है। पहला देखो, ये लिक्विड फॉर्म में ही है। दूसरा भी आइस नहीं बन गया है। तीसरा भी लिक्विड ही है। और चौथा देखो, ये पूरा जम गया है, कुछ हिल नहीं रहा है। इनको थोड़ा बाहर निकालता हूँ फ्रिज में से। तो अभी बराबर देखो, 1, 2 और 3 ये लिक्विड फॉर्म में ही है और चौथा पूरा जम गया है। ये चौथा बॉच का है, इन्होंने बोला था कि 1 में 7 कर दो, तो मैंने इसमें 50-50 कर दिया था। तो इसका हाल देखो, बड़ा नाम है इस कंपनी का हमारे देश में। बहुत पहले से ये कंपनी ऑटो इलेक्ट्रिकल्स और इंजन पार्ट्स में नंबर 1 है, लेकिन कूलर के बारे में इनकी क्या स्ट्रेटेजी है मुझे नहीं पता। इधर पीछे इन्होंने लिखा है एंटी फ्रीज भी, लेकिन इसमें एंटी फ्रीज का 1% भी नहीं है। तो फाइनली हम यहाँ टेस्ट के ऊपर कहना चाहते हैं कि जो भी यूट्यूबर्स कहते हैं कि कूलेंट को कंसंट्रेट मत डालना, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, इंजन में कंसंट्रेट कूलेंट डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आप ठंडे इलाके में से हो जहाँ टेम्परेचर नेगेटिव में रहता है, उधर क्या होगा, टेम्परेचर पहला ही ठंडा है और गाड़ी को नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर में आने के लिए थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। आपने टेस्ट में देखा गाड़ी का वर्किंग टेम्परेचर है 80 डिग्री, 80 डिग्री में आने के लिए थोड़ा देर लगेगा, और जब तक गाड़ी 80 डिग्री नहीं होगी तब तक फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा बढ़ेगा, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। लेकिन प्योर कूलेंट डालना आपके जेब के ऊपर भी थोड़ा भारी पड़ सकता है, जिसमें 4 या 6 लीटर जाता है उनमें तो 3,500 खर्चा होगा खामोखाम। इससे बेहतर है कि आप कॉन्सेंट्रेट कूलेंट को 50-50 कर दो, बेहतरीन रहेगा आपके गाड़ी के लिए। आप चाहे -डिग्री में हो या आप चाहे कन्याकुमारी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कूलेंट कोई और दूसरा डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 50-50 कॉन्सेंट्रेट कूलेंट कर देते हैं तो। अगर आप प्री मिक्स डालना चाहते हो तो वो भी एक पर्याय है आपके लिए, और मोटुल का तो रिजनेबल रेट है। और ये बाकी के जो प्रोडक्ट है जिनका नाम हल्ला गुल्ला सो एंड सो, प्लीज़ बचिए आप इन लो क्वालिटी कूलेंट से। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।